सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो श्वसन दर, या बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सांस लेने की दर, इसे आम भाषा में कहा जाता है। और गाइस, जो रेस्पिरेशन रेट है ये बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है, और इसको काउंट करके आप बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो रेस्पिरेशन रेट है ना, इससे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं या फिर बीमारियां हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इजीली रेस्पिरेशन रेट को काउंट कर सकते हैं। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में सीखेंगे कि रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, इसके कौन कौन से बेनिफिट होते हैं और कैसे इसको काउंट किया जाता है। एक मेथड भी होता है, ऐसे नहीं कि आप किसी का भी रेस्पिरेशन रेट काउंट कर रहे हो तो एक मेथड होता है। ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो गाइस, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, सांस को अंदर लेना मतलब कि इनहेल करना, और सांस को बाहर छोड़ना मतलब कि एक्सहेल करना। ओके, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो गाइस, इसे काउंट क्यों किया जाता है? जैसा कि आपको पता ही है कि बी पी टी बी आर हमेशा लिया जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और टेम्परेचर लिया जाता है। साथ ही जो आर हुआ है, मतलब कि रेस्पिरेशन रेट है, आरआर, वो भी लिया जाता है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगता है। जैसे अगर कोई पेशेंट ज़्यादा उसका रेस्पिरेशन रेट काउंट आ रहा है तो उसका मतलब है उसे सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग एपनिया डिजीज़ के होते हैं ना, मतलब कि जिन्हें स्लीप एपनिया होता है, अगर आपको रेस्पिरेशन रेट काउंट करना आता है तो आप इजीली उसको देख सकते हैं कि वो एपनिया में गया है या नहीं, मतलब कि उसे स्लीप एपनिया हुआ है या नहीं। साथ ही आप COPD का भी पता लगा सकते हैं। जैसे जो COPD के पेशेंट होते हैं ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, वो सांस तो जो इनहेल तो ढंग से कर लेते हैं, लेकिन जो उनका एक्सहेल करने का, बाहर हवा को छोड़ने का जो इंटरवल है ना, जो इंटरवल है वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे भी पैटर्न से पता लग जाता है कि उन्हें COPD की दिक्कत है। और साथ में जो हॉस्पिटल में नीकू होता है ना, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट काउंट किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पिरेशन रेट को काउंट कैसे किया जाता है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। तो गाइज, जो रेस्पिरेशन रेट है उसको जब पेशेंट सांस लेता है, मतलब कि उसने सांस अंदर ली और सांस को बाहर छोड़ दी, तो ये एक काउंट किया जाता है। मतलब कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को प्लस करना एक ब्रीथ कहलाता है, मतलब कि सांस को लेना और सांस को फिर छोड़ना एक ब्रीथ होती है, मतलब कि एक सांस होती है, और इसे 30 सेकंड तक किया जाता है। वैसे तो आप एक मिनट तक भी कर सकते हैं, लेकिन यूजली 30 सेकंड तक किया जाता है। और हाँ, एक ख़ास बात है कि इसे हमेशा पल्स रेट को देखने के बाद किया जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रेस्पिरेशन रेट है काउंट करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली जो ज़रूरी बात है कि उसका जो रेस्पिरेशन पैटर्न है, मतलब कि जो उसका रिदम है, जो उसकी लय है सांस लेने की, वो कैसी है। क्या वो सही इंटरवल पर सांस ले रहा है या फिर वो रुक रुक कर सांस ले रहा है, पहले तो आपने उसका जो रिदम है वो चेक करना है। ओके, फिर आपने देखना है कि उसे डिस्निया तो नहीं है, मतलब कि सांस लेने में उसको परेशानी तो नहीं हो रही। जो पेशेंट है वो सांस तो नहीं ले रहा, आपने ये भी चेक करना है। साथ ही आपने देखना है कि जो उसका इनहेल का इंटरवल है और जो उसका एक्सहेल का इंटरवल है पेशेंट का, वो कैसा है। इनहेलेशन टाइम तो ज़्यादा नहीं है या फिर उसका एक्सहेल का इंटरवल तो ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आपने चेक करना होता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि
रेस्पिरेशन रेट को काउंट कैसे किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो आपने पेशेंट की पल्स रेट को चेक करना है। सबसे पहले पल्स रेट ही चेक करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि अगर आप उसे पहले ही बता देंगे कि हाँ मैं आपका रेस्पिरेशन रेट चेक कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, जिससे आपको नॉर्मल रीडिंग नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले तो आपने उसकी पल्स रेट को चेक करना है, और पल्स रेट की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने 30 सेकेंड रूट्स की पल्स रेट को चेक करना है। रेडियल आर्टरी से हमेशा चेक किया जाता है, आप चाहें तो ब्रैंकियल आर्टरी से भी चेक कर सकते हैं। तो 30 सेकेंड आप रेडियल आर्टरी से चेक करें, ठीक है। और जो भी हाइजीन मेंटेन करनी होती है वो सब आपने मेंटेन करना है, स्टरलियम से या फिर आपने हैंड वॉश जो भी करना होता है हॉस्पिटल में, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं, या फिर आप घर पर चेक करें तो हैंड वॉश वगैरह करके करें अगर पेशेंट सिक है तो, ओके। तो यहाँ पर आपने पल्स रेट चेक करनी है 30 सेकेंड, और उसके बाद आपने जो उसका ब्रीथ पैटर्न है वो आपने देखना है कि कैसा है। तो कुछ नहीं होता, आपने देखना है कि पेशेंट कैसे सांस ले रहा है और कैसे छोड़ रहा है। तो जो मैं सांस लेता हूँ और सांस मैंने छोड़ दी, ये मेरा एक ब्रीथ हो गई है। तो ऐसे ही आपने चेक करना है, जैसे मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली जैसे हम लोग चेक करते हैं, ऐसे आपने चेक करना है, ठीक है, 30 सेकेंड तक। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट में वो होती है 12 से मतलब कि 12 से 20 के बीच में, और जो बच्चे होते हैं 1 से 6 महीने के बीच में उनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 40 से 60 के बीच में। तो ऐसे आपने काउंट करना है और इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और गाइस सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था कि आप रेस्पिरेशन रेट से एक चीज़ और भी चेक कर सकती हैं, कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है ना, और वहाँ पर वेंटिलेटर पर एक सेटिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना ब्रीथ देने की, ठीक है, वो वेंटिलेटर पर होती है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट तो वैसे ही सीडेट किया होता है या फिर कोमा में होता है, व्हाटएवर जो भी है, तो मशीन जो है वेंटिलेटर जो है उसको ब्रीथ देती है पर मिनट, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ब्रीथ की वो होती है। लेकिन अगर उसका रेस्पिरेशन रेट मैच नहीं करता, मान लीजिए आपने वेंटिलेटर पर ब्रीथ पर मिनट आपने सेट किया हुआ है 18, अगर वो जो आप अब चेक करेंगे जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया, अगर वो 18 की जगह 16-15 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंड्रोट्रेकिया ट्यूब है वो हिल चुकी है या फिर कोई और दिक्कत है। ऐसे ही अगर आपने वेंटिलेटर पर ब्रीथ सेट की हुई है 18, लेकिन पेशेंट की जो ब्रीथ है वो 20 आ रही है, 22 आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो पेशेंट है वो कॉन्शियस हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो गाइस जो रेस्पिरेशन रेट है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस आई होप ये जो मैंने आपको जानकारी दी है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइस ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।